इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे साकार होती हुई, दर्द कोई आसमां का है जमी से मिल रहा, स्वप्न की इन घाटियों में डूब जाने का समय है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। चरण कमल बंदों गुरु राज, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सतगुरुदेव महाराज का आगमन, संत समाज का आगमन, और जोरदार तालियों के साथ हम श्री गुरुवर का, जन जन का मन मगन आपके स्वागत में, खुश है धरती गगन आपके स्वागत में, खिला खिला सा चमन आपके स्वागत में, झुके झुके से नयन आपके स्वागत में। फूलों डूबी घाटियां, रंगों ढके पहाड़, चांदी ही चांदी बही अमराई की झाड़, तन से हम फागुन हुए, मन से हुए पलाश, वासंती हो गया आंगन का। उपायुक्त महोदय, नगर की शोभा, माननीय श्री सुशील सारवान आईएएस उपायुक्त पानीपत हमारे मध्य पधारे हैं। मान्यवर, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और गीता पूजन, निश्चित रूप से पानीपत के लिए, क्षेत्र के लिए सौभाग्य का विषय। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। कृष्ण कृपा बरसाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कृष्ण कृपा बरसाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कृष्ण कृपा बरसाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कृष्ण कृपा बरसाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कृष्ण कृपा आधार बनाओ, कृष्ण कृपा आधार बनाओ, कृष्ण कृपा आधार बनाओ, कृष्ण नाम से आनंद पाओ, कृष्ण नाम से आनंद पाओ, कृष्ण नाम से आनंद पाओ, कृष्ण नाम से आनंद पाओ। नाम रस पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, नाम रस पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कृष्ण
निश्चित रूप से पानीपत क्षेत्र में पानीपत के प्रांगण में नव वर्ष से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में गुरुवर के आशीर्वाद के रूप में गंगा की भांति प्रवाहित होती हुई हम सबका मंगल करेंगी, मंगल प्रदान करेंगी। हमारी यह 5 दिन की यात्रा, हमारा यह 5 दिवसीय अनुष्ठान, हमारा यह 5 दिवसीय यज्ञ जो गुरुवर की वाणी से, उनके आशीर्वाद की आहुतियों से संपन्न होगा, वह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो
प्रभु कृपा बनी रहे, तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व हम क्यों न उस सर्वशक्तिमान सत्ता को याद करें जो संपूर्ण जगत का नियमन एवं संचालन करती है। महानील उस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र विद्युत कण किसका करते हैं संधान। मैं निवेदन करता हूं श्री चंद्रशेखर शर्मा जो यजमान के रूप में आए हैं, विजय जैन उपायुक्त, माननीय श्री सुशील सारवान जी, भीम सचदेवा जी, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर गुरुवर का आशीर्वाद पाते हुए दीप प्रज्वलन की मंगलमयी परंपरा का निर्वाह करने की कृपा करें। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। प्रणाम करते हैं आप चारों भाग्यशाली दिव्यात्माओं का जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब की ओर से, हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए आप दीप प्रज्वलन की मंगलमयी प्रक्रिया पूज्य गुरुवर के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से ये 5 दिन का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से पानीपत एक तीर्थ की भांति प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत होगा मानो यह तीर्थ बन गया है। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता, विद्यादान करो ममः। दीप प्रज्वलन की मंगलमयी परंपरा का निर्वाह करने का निवेदन ये दिया प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का। हर खेल में तू, हर मेल में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि में है विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल के। काम कुछ भी सही पर लगन एक है, ज्योत से ज्योत दिल की जला जाएंगे, हम रहें न रहें इसका कुछ कम नहीं, तेरी राहों को रोशन कर देंगे हम, तेरी राहों को रोशन कर देंगे हम। ये दिया प्रतीक है गीता यज्ञ जो प्रारंभ होने जा रहा है। 5 दिन तक अनवरत ये कार्यक्रम, ये यज्ञ, वैचारिक यज्ञ प्रभुवर की मुखारविंद से संपन्न होगा। और हर खेल में तू, हर मेल में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि में है विश्व भरा, हर खेल में श्री चंद्रशेखर शर्मा जी से कि गुरुवर को माल्यार्पण करते हुए ये थोड़ा परिवर्तन है। गीता पूजन के लिए श्री रमेश माटा जी, सुरेश अरोड़ा जी, अंकुश बंसल जी, रोशन महला जी, अशोक वालड़ा जी, आपसे निवेदन, अशोक छाबड़ा जी, गजेंद्र सलूजा जी, आप सबसे निवेदन, श्रीमद् भगवत गीता का आशीर्वाद। लुधियाना से राधेश्याम जी तनेजा, आपका भी हम मंच से स्वागत करते हैं, आप भी ये सौभाग्य प्राप्त करें। माँ गीता का, गीता जो निश्चित रूप से अनादिकाल से समूची सृष्टि को, समूचे ब्रह्मांड को आंदोलित करती आ रही है,
संचालित करती आ रही है। सृष्टि के आरंभ से ही व्यक्ति का मन उस अज्ञात सत्ता को जानने के लिए लालायित रहा है जो संपूर्ण जगत का नियमन एवं संचालन करती है। और दाऊजी महाराज समूचे संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि गीता पूजन में सम्मिलित होने की कृपा करें। श्री दाऊजी महाराज आपसे भी प्रार्थना। फूलों डूबी घाटियाँ, रंगों ढके पहाड़, चांदी ही चांदी वही अमराई की झाड़, तन से हम फागुन हुए, मन से हुए पलाश, वासंती हो गया आंगन का आकाश। गीता जी हम पर कृपा करें, पूरे पानीपत क्षेत्र पर, समूचे समाज पर। इन भावनाओं के साथ मंच से आज गीता पूजन का आगाज होता हुआ और नव वर्ष के पूर्व सप्ताह में आयोजित ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष अब पानीपत की परंपरा गुरुवर के आशीर्वाद से बन चुका है और निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली हैं। मंत्रोच्चारण के साथ गीता पूजन में सम्मिलित होते हुए हम सब के, आप सब के प्रतिनिधि स्वरूप सभी यजमान अतिथिजन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आपके कल्याण की कामना करते हुए, अजर अमर गुण निधि तुम हो, करहीं सदा रघुनायक छोहु। भगवान कृष्ण कृपा करें, श्री राम कृपा करें। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव भय हरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण। समूचे ब्राह्मण समाज की ओर से विद्वत्वं च निपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। मैं पूज्य दाऊजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से पूज्य गुरुवर का अभिनंदन करें, प्रतीक रूप में पटका भेंट करते हुए उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। मैं दाऊजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। विजय पंडित जी आपसे ही प्रार्थना है, आप मंच पर आने की कृपा करें। शोभा है आप नगर की और आशीर्वाद सब, ये समूचा जो यज्ञ है, वैचारिक यज्ञ है, ये हम सबकी आहुतियों से, भावनात्मक आहुतियों से संपन्न होगा। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब मैं श्री गजेंद्र सलूजा जी, श्री विजय जैन, मैं विजय जैन जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे पूज्य गुरुवर चरण कमल बंदों गुरुराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। पूज्य गुरुवर मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू आंचल है, मैं प्यासा तू गंगा जल है। गंगा जल रूप हमारे पूज्य गुरुवर, मैं उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमारे नगर की शोभा, हमारे नगर का नेतृत्व, हमारे नगर की सुरक्षा, हमारे नगर का प्रबंधन माननीय श्री
सुशील सारवान जी विनम्रता जिनका आभूषण है, शालीनता जिनकी शोभा है, वाणी जिनका माधुर्य है, पूज्य गुरुवर को प्रणाम करने के लिए मंच की ओर अग्रसर होते हुए और श्री गजेंद्र सलूजा जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर वो सौभाग्य प्राप्त करें, चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। निस्संदेह महाकवि सूरदास जिन्होंने भगवान कृष्ण की धूमिल शाश्वत गाथा को अपनी अपूर्व कल्पना व प्रशस्त लेखनी के माध्यम से युगारूप ललित आयाम देकर अनवरत राधा कृष्ण भक्त साधकों की को संगीत साधना की लहरी से मुक्ति साधना का वर्चस्व आनंद प्रदान किया, जिसमें काव्यिक अध्यावधि डूबते उतराते चले आ रहे हैं। उनका सागर, उनका सूर सागर एक ऐसा सागर है जो उसमें एक बार डूब जाता है वह यह कहने के लिए लालायित हो जाता है कि झूठ इतिहास यह मुख से लगा हुआ। उसी परंपरा के संवाहक गंगा रूप पूज्य गुरुवर हमारे मध्य विराजमान और नए वर्ष की पूर्व सप्ताह पर आशीर्वाद देने के लिए कितने भाग्यशाली हैं हम। मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्य गुरुवर से, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं उनके संदर्भ में आप उन्हीं का प्रतिरूप हैं। जो मोहि भजे भजऊ मैं ताको, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं गुरुवर से प्रार्थना करता हूं कि हम पर कृपा करें अपनी वाणी के माध्यम से। जय बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवता नारायणेन सह व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्र येन त्व्यभारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकवाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्त सत्तत् परम यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम Thank you.
जी के बिया सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हो चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्हें, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य। सत्संग स्थल में सत्संग के भाव के साथ ही सभी बैठे, आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग सत्संग में बिल्कुल भी नहीं। ये सभी निश्चित ध्यान रखेंगे। बच्चे जिनके साथ हैं और हलचल में हैं, कार्यकर्ता ध्यान रखें बच्चों का स्वर, या स्वयं जिनके साथ हैं शांत रहें तो अच्छा, नहीं तो पीछे लेकर के बैठें। सत्संग में पूरी भाव तन्मयता बनी रहे। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। मातृभूमि भारत के कण कण को नमन। अपने राष्ट्र की समस्त परंपराएं, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, ग्रंथ परंपरा, संत परंपरा,
समस्त परंपराओं को नमन वंदन। आप सबके भीतर विराजित आराध्य प्रभु को नमन। प्रार्थना के वाक्य, मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय भगवत गीते जय गौ माता जय गुरुदेव। नारायण नारायण। भारत अवतारों की तरह है। भारत त्योहारों की पावन धरा है। भारत ऋषियों की दिव्य धरा है। भारत ग्रंथों और संतों की धरा है। ये हमारी समस्त परंपराएं निसंदेह समूचे विश्व के लिए, समूची मानवता के लिए है। केवल भारत है जहां अवतार की दिव्यता है। भगवान संभवामी युगे युगे के अपने आश्वासन के अनुसार युग युग में अवतार धारण करके आते हैं, और जब जब अवतार धारण करके आते हैं वो परंपराओं के स्थापन के लिए आते हैं, मूल्यों और आदर्शों के स्थापन के लिए आते हैं। वो किसी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी वर्ग वर्ण के लिए नहीं, समूची मानवता के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं, प्राणी मात्र के लिए आते हैं। और यही कारण है जब प्रभु राम रूप में आते हैं, राजमहलों में अवतार होता है, लेकिन स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करके वहाँ विश्व को बताते हैं कि मैं राजमहलों में जन्मा अवश्य हूँ, केवल राजमहलों तक सीमित रहने के लिए नहीं आया, मैं तो केवट से भी मिलने के लिए आया हूँ, मैं निषाद को भी गले लगाने के लिए आया हूँ, और आवश्यकता पड़ने पर मैं भीलनी शबरी के जूठे बेर तक खाने के लिए आया हूं। कोल किरात भील भालू वानर सबको साथ लेकर के ये संकेत, ये संदेश, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, मेरे लिए कोई बेगाना नहीं, कोई गैर नहीं, सबका मैं हूं, सबके लिए मैं हूं। श्री कृष्ण अवतार जेल की बंद कोठड़ी में होता है। प्रारंभिक लीलाएं वन क्षेत्र में होती हैं, कहीं गोकुल, कहीं नंदगांव, वृंदावन, पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र, गोवर्धन, सब वन क्षेत्र। प्रारंभिक लीलाएं वन क्षेत्र में होती हैं और वहां बिना किसी भेदभाव के साथ गोप, गोपिकाएं, ग्वाल बाल सबके साथ बिल्कुल एक सहज सा स्नेह, सहज सा अपनत्व दिखाते हुए, प्रेम लुटाते हुए, स्नेह लुटाते हुए ये अवतार मथुरा
और मथुरा के पश्चात अनेकों दिव्यताएं प्रकट करते हुए द्वारका के राजमहलों तक पहुंचा है। एक अवतार की यात्रा राजमहलों से वन क्षेत्र की ओर जाती है और एक अवतार की, जो दो हमारे मुख्य अवतार हैं, एक अवतार की यात्रा वन क्षेत्र से राजमहलों की ओर जाती है। लेकिन भले ही वो यात्रा राजमहल में रहे या वन क्षेत्र में रहे, उसमें आप पाएंगे इन अवतारों की दिव्यता प्रेम और सद्भावनाओं से पूरी तरह से रची पची हुई, और उन्हीं प्रेम सद्भावनाओं की प्रेरणा अलग एक व्यापक रूप में सर्वत्र सबके लिए जगाते हुए ये अवतार सबके लिए। भले ही राजमहलों में रहे तो भी अपनी परंपराएं साथ रखिए, भले ही वन क्षेत्र में रहे तो भी अपनी परंपराएं साथ रखिए। और इसीलिए जब उद्घोषणा होती है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हे पार्थ मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। कोई यदि पूछे कि कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं भगवान, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी रिलीजन की नहीं, किसी नए संप्रदाय के नहीं, किसी नए मत मतांतर की नहीं। चर्चा इन दिनों प्रसंग के मध्य में बीच बीच में अवश्य होगी ही, वैसे तो जैसा हमारे गोविंद प्रभु की इच्छा होती है वही वाणी के माध्यम से प्रेरित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा आएगी ही कि भगवद गीता में जो धर्म शब्द का प्रयोग है वो किसी मजहब के अर्थ में है भी नहीं, किसी मत मतांतर संप्रदाय के भाव से है भी नहीं, परंपराओं का स्थापन यही धर्म है गीता का। जो आदर्श, जो मर्यादाएं, जो अस्मिताएं, जो मूल्य, वो भले ही जीवन मूल्य हों, भले ही पारिवारिक मूल्य हों, भले ही सामाजिक मूल्य हों, भले ही सांस्कृतिक मूल्य हों, भले ही चारित्रिक मूल्य हों, भले ही वैश्विक मूल्य हों, या भले ही मानवीय मूल्य हों, लाइफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, करैक्टर वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इन मूल्यों की, इन वैल्यूज की स्थापना के लिए जो लुप्त हो जाती हैं कहीं ना कहीं काल के प्रभाव से, परिस्थितियों के दबाव से, भगवान आते हैं उन परंपराओं की स्थापना करने के लिए। और यही कारण है आप देखेंगे अवतार काल में जो लीलाएं भी होती हैं भगवान की, वो लीलाएं भी कोई समझने वाला ठीक से समझ पाए और चिंतन के भाव के साथ समझाया जा सके तो निश्चित रूप से लगता है, लगेगा कि भगवान की लीलाएं भी जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवद गीता के भाव की प्रेरणा ही निहित होती है हर लीला में। और हमें लगता है भगवान कृष्ण की लीलाएं, क्योंकि भगवद गीता विषय है, ये तो एक साम्यता, अवतार परंपरा की एक दिव्यता की झलक हमने प्रारंभ में ली अपनी परंपराओं को प्रणाम करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाएं, प्रत्येक लीला अपने आप में भगवद गीता का एक रहस्य खोलती है, भगवद गीता की कोई ना कोई प्रेरणा उद्भासित करती है, उद्घाटित करती है। और सत्य यह भी है उनकी लीलाओं में गीता है, लेकिन गीता भी उनकी एक लीला ही, अद्भुत लीला, लोकोपकारी लीला, लोक मंगल की लीला, लोक कल्याण की लीला, मानवीय लीला है लेकिन असाधारण, अलौकिक। और इसीलिए गीता के कृष्ण
बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जहां ये कहा संभवामि युगे युगे, वहां साथ ही साथ यह भी संकेत कर दिया कि पार्थ मैं आता हूं, जन्म लेकर आता हूं, लेकिन मेरे जन्म और कर्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं होते पार्थ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अलौकिक होते हैं, असाधारण होते हैं। और इसीलिए आप यदि भगवान कृष्ण के अवतरण की लीला से लेकर, जन्म की लीला से लेकर के आप देखेंगे, यदि उनके अंतर्धान होने की लीला तक, उनके लीला संवरण तक, प्रत्येक लीला आपको लगेगा ये सामान्य मानव की स्थिति नहीं हो सकती, ये असाधारण, आपको लगेगा ये कुछ असाधारण सा है, कुछ अलग सा है, कुछ विलक्षण सा है, कुछ अलौकिक है। आधी रात के समय जेल के बंद कोठड़ी में, गहन अंधकार में प्रकट होना, और प्रकट होते ही वहां स्वाभाविक ही प्रकाश सा हो जाना, उस वातावरण का आलोकित हो जाना, और साथ ही साथ पहरेदारों का सो जाना, बेड़ियां हथकड़ियां खुल जाना, टूट जाना, जेल के द्वार खुल जाना, यमुना जी का मार्ग दे देना, रातों रात गोकुल पहुंचकर योग माया को वसुदेव जी के साथ वापस भिजवा देना, और इतना सब होने पर भी किसी को तनिक भी आहट ना होने देना, ये सामान्य स्थिति थी क्या? यही तो है मेरा जन्म दिव्य है पार्थ, साधारण नहीं, और कर्म लीलाएं, तो कोई भी लीला आप देखें उठाकर, छोटी आयु में, 6 वर्ष की आयु में पूतना का वध सामान्य बात थी क्या? और उसके पश्चात तो विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम, भगवद गीता की यह उद्घोषणा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पूतना के पश्चात तो एक लंबी सूची, कहीं तृणासुर, कहीं शक्टासुर, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, कहीं व्योमासुर, कहीं प्रलंबासुर, और उसके बाद कहीं चाणूर, कहीं मुष्टिक, कहीं शिशुपाल, और कंस तक विनाशाय च दुष्कृता। एक और वो पक्ष है, और एक और परित्राणाय साधु नाम का पक्ष है, सज्जनों का उद्धार, श्रेष्ठ जनों का उद्धार, श्रेष्ठ वृत्तियों का सम्मान, या यूं कहें साधुता का सम्मान, श्रेष्ठता का सम्मान, शुभता का सम्मान, शुद्धता का सम्मान, शुचिता का सम्मान, ये सब परित्राणाय साधु नाम, ये इस अवतार की दिव्यता है। और उसके ढेरों उदाहरण, कई बार लगता है कि ब्रह्म है क्या, इतनी सामान्य सी स्थिति, कहीं माखन खा जाना, कहीं मटकी फोड़ देना, माखन चुरैया अपने नाम के साथ लिखवा लेना, कहीं माखन खवैया, माखन चोर, और मैया से ये कह देना, मैया तू जानती है मेरा सबसे प्यारा नाम कौन सा है? और जब मैया अनेक नाम गिनवाती है, कन्हैया करते ना मैया, और जब मैया कहते तू ही बता लाला, और कन्हैया बड़ी एक अलग सी भाव मुद्रा में कह देते हैं, मैया नाम मेरो प्यारो माखन चोर, माखन चोर नाम मेरा बहुत प्रिय नाम। बड़ा आश्चर्य होता है कि माखन चोर ये सबसे प्रिय नाम, लेकिन अद्भुत लीला है इसके पीछे, पूरी गीता की प्रेरणा है इसके पीछे, कि जो उन्हें चाहिए भाव प्रिय माधव, भाव प्रिय है वो,
और माखन के माध्यम से उन्होंने कोमलता स्वीकारी, उन्होंने प्रेम स्वीकारा, माखन के माध्यम से उन्होंने स्नेह, उन्होंने भाव की चिकनाहट स्वीकारी। पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं, क्योंकि पदार्थ की उनके यहाँ क्या कमी थी। मिलते हैं सब पदार्थ भगवान तेरी गली में, किस चीज की कमी है भगवान तेरी गली में। हमारे पास भी यदि जो पदार्थ हैं, वो पदार्थ अब विचार करके देखें, वो पदार्थ क्या हम लाए थे, क्या हम ले जाएंगे, कहां से मिले, किसके दिए हुए। शरीर और शरीर के साथ सब कुछ उसी का तो है, और इसीलिए उसकी दृष्टि में पदार्थ का महत्व नहीं। क्या पदार्थ देते हुए आपके अंदर की कठोरता तो नहीं उसके साथ मिली, क्या अंदर की शुष्कता तो नहीं उसके साथ मिली, क्या पदार्थ अर्पण करते हुए आपकी ईगो, आपका अहम, आपका द्वेष भगवान को अर्पण करते हुए क्या यही सब तो नहीं आपका उसके साथ मिला हुआ। नहीं स्वीकारेंगे वो, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? उन्हें वस्तु चाहिए ही नहीं। माखन चोरी के माध्यम से उन्होंने विश्व को दिखाया कि मुझे प्रेम प्रिय है, और इसीलिए भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्योपहतम अश्नामि प्रेतात्मनः। जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कोई मुझे पत्ती भेंट करे, कोई फूल भेंट करे, कोई फल भेंट करे, या केवल जल ही भेंट करे पार्थ, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए प्रेतात्मनः, प्रीतिपूर्वक भेंट करे, प्रेम पूर्वक भेंट करे, अंदर के भाव के साथ भेंट करे। मैं वो स्वीकार करता हूं पार्थ, मैं वो खाता, अश्नामी शब्द लगाया, मैं वो खा लेता हूं पार्थ, स्वीकार कर लेता हूं। प्रत्येक लीला अद्भुत, प्रत्येक लीला एक प्रेरणा है भगवान कृष्ण। और उसी क्रम में कहीं आप देखेंगे 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को, गोवर्धन को केवल 7 वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण किए रखना, कोई मान सकता है क्या कि सामान्य बात थी क्या। जन्म कर्म चमे दिव्य, ऐसी ढेरों दिव्यताएं अपने में समाहित किए हुए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक अलग सी लीला के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, एक बिल्कुल अलग सी लीला के, क्योंकि वो जानते थे कि महाभारत युद्ध के पश्चात कुछ समय शेष रह जाएगा लीलाओं के संवरण का, और इससे पहले कि लीलाओं का संवरण हो विश्व को कोई विशिष्ट उपहार, कोई विशेष उपहार विश्व को दिया जाए। और भगवान कृष्ण के उस भाव के अनुसार महाभारत युद्ध में वैसा वातावरण तैयार हुआ, वैसा ही वातावरण तैयार हुआ कि गीता उपदेश की भूमिका बन गई, पूरे विश्व को चौंकाने वाली स्थिति कि युद्ध की भूमि और गीता जैसा ज्ञान, यही तो है भारत की दिव्यता। युद्ध की धरा जहां सेनाएं तैयार हैं युद्ध के लिए, शंखनाद हो चुका है, कई शस्त्रों की टंकार है, कई घोड़े और हाथियों की चिंगाड़ है, कहीं किसी प्रकार के करुण करंदन पुकार है, और इस सब वातावरण के बीच में जहां चिंताएं हैं, जहां आशंकाएं हैं, जहां युद्ध की विभीषिकाएं हैं, उस वातावरण के बीच में ये अद्भुत अवतार, ये विलक्षण अवतार विश्व को एक विलक्षण संदेश देने के लिए तत्पर होता है, जिस संदेश का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अर्थात
भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ये श्रीमद शब्द जो है ये आदर का शब्द है, जैसे श्रीमन बोला जाता है ये आदर सूचक शब्द है। भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत, ये शाब्दिक अर्थ है श्रीमद भगवद गीता का। एक और भगवद गीता है, कुछ को कई बार ही नहीं प्राय भ्रम की स्थिति में देखा जाता है। कई बार समाचारों में प्रकाशित ऐसा हो जाता है भगवद गीता की जगह भागवत गीता, स्पष्ट कर लेना अच्छा रहेगा। भागवत गीता नहीं है, भगवत गीता है। भागवत पुराण है जिसकी कथा आप श्रवण करते हैं, भागवत पुराण है वो, भागवत कथा है जहां, अर्थात भगवान की कथा जिसमें है वो भागवत पुराण है। अंतर सभी स्पष्ट कर लें आप भी, और टीवी चैनल के माध्यम से लाभ ले रहे देश विदेश में सब। भागवत पुराण जहां भगवान की चर्चा है, भगवान की कथा है, या भगवान का बनने की प्रेरणा कथा है, वो भागवत पुराण है। और भगवत गीता अर्थात जहां भगवान की कही हुई बात है वो भगवत गीता है, जहां भगवान के द्वारा कही गई बात। और इसीलिए आप देखेंगे पूरे विश्व में इकलौता ग्रंथ, एकमात्र ग्रंथ, ग्रंथों की सूची बहुत विस्तृत है पूरे विश्व भर में, सब विचारधाराओं के अपने अपने शास्त्र हैं, और अपने वैदिक सनातन परंपराओं में भी कहां कमी है ग्रंथों की। चार वेदों से लेकर जहां 1,00,000 मंत्र हैं, पंचम वेद के रूप में महाभारत जहां 1,00,000 श्लोक हैं, पुराण हजारों हजारों श्लोक अपने में लिए हुए, रामायण, मानसकार ने तो कहा रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन बहुत सी रामायण उपलब्ध भी हैं, मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, श्री रामचरित मानस, ये तो निश्चित सब सुपरिचित हैं। लेकिन एक वृहद शास्त्र है, चार वेदों से लेकर के एक छोटे हनुमान चालीसा तक अपनी शास्त्र परंपरा बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक, लेकिन उस ग्रंथ परंपरा का सार वो है 18 अध्यायों का और कुल मिलाकर 700 श्लोकों का। यह आकार में बहुत छोटा सा शास्त्र, लेकिन चिंतन और विस्तार में समूचे विश्व के लिए एक गहन, अथाह, अपार, असीम प्रेरणाओं से युक्त, इतनी गहन प्रेरणाएं जिसकी थाह कोई नहीं पा सका, आज तक नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं गीता ज्ञान का अथाह सागर है। जैसे सागर की थाह नहीं पाई जा सकती, ऐसे ही गीता ज्ञान में ढेरों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की, टीकाएं की, शोध किए, बहुतों ने शोध पत्र तैयार किए, रिसर्च की, बहुतों ने गीता के अलग अलग विषयों पर बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा। उन सभी को प्रणाम करते ये संकेत कि कोई ये सोचे कि मैंने भगवद गीता के भाव की पूरी थाह पा ली, कदाचित ये उचित नहीं, ये संभव भी नहीं। ज्ञान का अथाह सागर है भगवद गीता, आकार में छोटा 18 अध्याय और कुल मिला के 700 श्लोक, लेकिन एक एक श्लोक गीता जी का अपने आप में एक अद्भुत प्रेरणा, एक अनूठी प्रेरणा, एक अलौकिक सी प्रेरणा,
शोक निवृत्ति की, तनाव से रहित जीवन की, और साथ ही साथ शांति और सद्भाव से युक्त जीवन ही नहीं पूरी मानवता के लिए भगवद गीता का एक एक श्लोक, और यदि ये कहा जाए कि गीता का एक एक शब्द अपने आप में एक अद्भुत प्रेरणा है, अद्भुत प्रेरणा। विधिवत प्रारंभ करें इसको, एक यात्रा है गीता कहां से लेकर कहां तक की। आज कुछ प्रारंभ में सूत्र लेंगे और अगले दिनों में कुछ विस्तार से और शीघ्र प्रारंभ करके, लेकिन आज दो पंक्तियां भगवान नाम के साथ गुनगुनाते। जीने का ढंग सुंदर गीता बताए, जीने का ढंग सुंदर गीता बताए, जीने का ढंग सबको गीता सिखाए, जीने का ढंग सबको गीता सिखाए, उठो जागो फिर त्यागो यह समझाए, उठो जागो फिर त्यागो ये समझाए, उठो जागो फिर त्यागो यह समझाए, उठो जागो फिर त्यागो यह समझाए, रोम रोम अब गीत गीता के गाए, रोम रोम अब गीत गीता के गाए, रोम रोम अब गीत गीता के गाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, रोम रोम अब गीत गीता के गाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान के द्वारा गाया गया एक रसीला गीत, एक दिव्य गीत। भगवद गीता एक यात्रा, विषाद से प्रसाद की ओर, विषाद से आह्लाद की ओर,
और इसीलिए इस ग्रंथ का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय का, क्योंकि इन चार पांच दिनों में पूरी गीता के सूत्र हम ले पाए वो संभव नहीं, लेकिन सार रूप में कुछ ऐसे संकेत हम लेने का प्रयास करेंगे जो वास्तव में हमें लगेगा कि हमारे जीवन के साथ सीधा सीधा जुड़े हुए, जो लगेगा कि जीवन की आवश्यकता है, जिससे लगेगा कि जीवन की उलझनों को भी सुलझाने वाले सूत्र हैं ये, जिससे लगेगा कि जीवन की अशांति को भी शांति में बदलने की प्रेरणा है ये सूत्र, जिससे लगेगा कि टेंशन और इरिटेशन जो आजकल के वातावरण में एक स्वाभाविक सी रमती हुई दिखाई दे रही है, उससे बच करके एक सहज शांत प्रसन्नचित जीवन जीने की प्रेरणा है कुछ ऐसे सूत्रों पर। और उसमें भी आप देखें प्रथम अध्याय में अंतिम श्लोक में अर्जुन की मनोदशा संजय ने स्पष्ट की, यह भी स्पष्ट कर दे प्रारंभ में, आज प्रथम दिन है कि भगवद गीता दो स्तर पर, दो खाट समझ लें जहां गीता का संदेश साथ साथ हो रहा है, एक कुरुक्षेत्र के महाभारत की युद्ध भूमि जहां स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा सामने संदेश उपदेश दे रहे हैं, और एक हस्तिनापुर में संजय जो उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया जा रहा है, संजय उसी उपदेश को बीच बीच में जहां जहां आवश्यकता पड़ती है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, बिल्कुल साक्षात सामने। वस्तुतः क्योंकि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आना नहीं था, नेत्र दृष्टि थी नहीं, और वैसे भी सिंहासन खाली छोड़कर आना महर्षि व्यास चाहते थे कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे बैठे हैं कम से कम ये जान तो पाए कि वहां क्या हो रहा है। ये केवल इसलिए कि हम गीता की कोई पृष्ठभूमि समझ पाए। बहुत से नए श्रोता जो यहां या टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं महर्षि व्यास की भावना कि धृतराष्ट्र वंचित ना रहे, पता चलता रहे कम से कम कि वहां क्या हो रहा है। और इसी भाव से महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास जब आते हैं और आकर कहते हैं राजन मैं तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि देने के लिए आया हूं। अब भारत का अध्यात्म विज्ञान देखें जो ऋषियों के तप से, ऋषियों की अंतर भाव की गहराइयों से उद्भूत है, प्रकट है। अब देखें क्या दिव्यतर भारत के अध्यात्म विज्ञान में, स्पिरिचुअल साइंस में, ऋषियों के अनुभव के विज्ञान में। एक ऋषि का प्रस्ताव एक नेत्रहीन राजा के लिए कि राजन दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा क्या करूंगा लेकर, कहा यहीं बैठे बैठे पूरे कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वृतांत सुन लोगे, देख लोगे। ली नहीं धृतराष्ट्र ने, संक्षेप में ही संकेत प्रसंग की ओर बढ़ेंगे हम। धृतराष्ट्र ने ली नहीं, मना कर दिया। कहा महर्षि
मुझे वो दृष्टि नहीं लेनी। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता अपने पुत्रों को, क्योंकि जीते जीते उन्हें देख नहीं पाया, और मेरे सामने वो दृष्टि लेकर वो उस अवस्था में मृत अवस्था में आएंगे, मैं नहीं चाहता। ये कैमरामैन बंधु आराम से बैठ जाएं बीच में हलचल में, और जो इधर भी बंधु बैठे हैं मोबाइल की हलचल नहीं, ओम, सभी पूरी तरह शांत। मोबाइल पूर्व में संकेत किया था कि सत्संग के मध्य बिल्कुल कठोरता से वर्जित है, जिन्हें भी बैठना है सत्संग के भाव से ही बैठे हैं। ओम अस्तु, चर्चा उसी भाव की ओर। धृतराष्ट्र ने कहा मैं नहीं चाहता देखना, कुछ सहम गया, कुछ डर गया। महर्षि व्यास ने कहा कोई नाम आप बता सकते हो कि किसी और को दे दूं दिव्य दृष्टि, और आप उससे पूछ लो क्या हो रहा है वहां। धृतराष्ट्र ने कहा यह हो सकता है, नाम संजय का आया, धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, मंत्री अर्थात धृतराष्ट्र को मंत्रणा देने वाले और उचित मंत्रणा। संजय कैसा पात्र है महाभारत का? निष्पक्ष पात्र है, उचित मंत्रणा देने वाला पात्र है, जो सही बात है वो कहने वाला पात्र है। न कोई चाटुकारिता, न कोई चापलूसी, न कोई पक्ष की बात, न विपक्ष की, सीधी बात जो होती है। और इसीलिए महर्षि व्यास को भी लगा कि दिव्य दृष्टि के लिए संजय उपयुक्त पात्र है। दिव्य दृष्टि मिली, ली संजय ने, और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में जो कुछ घटित हो रहा है संजय वो सब बता रहे हैं, वो सब बता रहे हैं धृतराष्ट्र। और जहां जहां कोई विशेष बात आती है वहां भगवद गीता में देखेंगे बीच में संजय उवाच। एक और भी देखें आप, गीता जी के 700 श्लोकों में प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र उवाच के साथ। यद्यपि कुछ आश्चर्य का सा विषय तो है ही कि गीता जैसा ज्ञान, विश्व का सर्वोत्कृष्ट अद्भुत अलौकिक ज्ञान, और उसका प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच के साथ। लेकिन उसकी गहराई में अभी नहीं, क्योंकि मैं कम समय में कई सूत्र लेने हैं। बस इतनी सी बात कि क्योंकि गीता उपदेश की आवश्यकता धृतराष्ट्र जैसों को ही है अधिक, जो कहीं ना कहीं जिनकी विचार की दृष्टि खुली हुई नहीं, जो केवल हड़पना जानते हैं बस, जो सिंहासन भी मिला या कुछ भी मिला, सिंहासन तो एक निमित्त एक बात है, लेकिन कुछ भी है बस केवल बटोरना चाहते हैं, जो वो सब जो केवल ये चाहते हैं कि बस कितना अधिक हो जाए, केवल वो स्थिति। धृतराष्ट्र किसी भी निमित्त से हो क्रुक लीगल इलीगल कोई भी साधन हो, बस मेरा हित साधन सुरक्षित रहना चाहिए। और यही तो कारण है कि सामने द्रौपदी के चीरहरण जैसा एक निंदनीय कृत्य हो रहा है देख नहीं पा रहा था धृतराष्ट्र, लेकिन सुन रहा था द्रौपदी के करुण करंदन को, द्रौपदी के उन प्रश्नों को जो द्रौपदी ने भरी सभा में किए थे। बड़े बूढ़ों की सभा है, विचारवानों की सभा है, पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे और बहुत थे। द्रौपदी ने प्रश्न किए थे कि मेरे दो प्रश्न हैं, मुझे कोई ये बताए कि द्योत क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हारा था या मुझे हारा था, और यदि पहले स्वयं को हार चुके थे
मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या हारे हुए व्यक्ति को किसी और को दाव पर लगाने का अधिकार रह जाता है जो स्वयं हार चुका है? कोई उत्तर नहीं दे रहा था। धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुन रहा था कि सभा में कुछ घृणित स्थिति है, कुछ बिल्कुल एक निंदनीय सी स्थिति घटित हो रही है। और उस समय भी धृतराष्ट्र अपने सिंहासन के दोनों पाए पकड़ करके, बस मेरा सिंहासन सुरक्षित रहे, अस्मिताएं लुटती हैं तो लुटे, मर्यादाएं छिन्न भिन्न होती हैं तो हों। वास्तव में गीता उपदेश की आवश्यकता वहां है, जहां अस्मिताओं का ध्यान नहीं, जहां परंपराओं का ध्यान नहीं, जहां मर्यादाओं का ध्यान नहीं। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि भगवद गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, गीता हमारी आन है, गीता हमारा सम्मान है, गीता हमारी शान है। और यदि और कोई जानना चाहे, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता जीवन का उत्थान है, गीता प्रत्येक प्रकार की समस्या का समाधान है, गीता समूची मानवता की मुस्कान है, केवल ग्रंथ नहीं। और इसीलिए आज आप देखें तामझाम, बाहर की चमक दमक, बाहर के वैभव, बाहर की सुविधाएं खूब बढ़ रही हैं, खूब बढ़ रही हैं। ठीक है, समय के साथ हमारे वेदों ने अनुमति दी है, चरैवेति अग्रसर अग्रसर आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन ये भी सोचने की बात है ना, आगे बढ़ते बढ़ते बाहर की दौड़ में भागते भागते यदि समस्याएं बढ़ रही हो, कभी विचार ही ना हो, ये तो आप बाहर भी अगर सड़क पर भी चलोगे तो वहां भी कहीं ना कहीं रेड लाइट पर ये लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा ना, स्टॉप लुक गो, ठहरो देखो और फिर चलो। भाग दौड़ में कभी तो आवश्यकता हो सकती, होनी चाहिए ना, कभी हम थोड़ा रुकें, विचारें कि जिसके लिए हम भाग रहे हैं वो शांति कहां, वो क्या है हमारे पास। बस वो समाप्त होती जा रही है। पूरे विश्व में देखें आप, जो एक स्वाभाविक मुस्कान होनी चाहिए, एक नेचुरल पीस, नेचुरल स्माइल, एक नेचुरल हैप्पीनेस का वातावरण, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रश्न, चिंता, तनाव, दबाव, डिप्रेशन रेट बढ़ता हुआ, और तो और सुसाइडल रेट बढ़ता हुआ पूरे विश्व में। भगवद गीता इसीलिए संकेत किया गया, भगवद गीता समूची मानवता की मुस्कान है। एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच का, प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युयुत्सव, मामक, पांडवाश्चैव, किमकुर्वत संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये गीता जी का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न। ये वही बात कि धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि ली नहीं, संजय को दिलवाई, महर्षि व्यास ने दी, और धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है
कि संजय मुझे ये बताओ, यहां से गीता का प्रारंभ है। अध्याय प्रथम अध्याय में दुर्योधन की मानसिकता कुछ श्लोकों में है, संजय ने बताया। सबसे पहले बात ही दुर्योधन की शुरू की, दृष्ट्वा तु पांडवानेकम, ये संजय वाच का श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानेकम व्योढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहता है राजन प्रारंभ में बताऊं, दुर्योधन युद्ध की शुरुआत में गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, अध्याय पहला जो है, और उसमें वहां आप देखेंगे दूसरे श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक दुर्योधन का अहम आपको दिखाई देगा, दुर्योधन का अंदर का छल कपट इन श्लोकों में आपको दिखाई देगा, दुर्योधन के अंदर की ईर्ष्या आपको इन श्लोकों में दिखाई देगी, दुर्योधन का द्वेष इन श्लोकों में दिखाई देगा, दुर्योधन का दंभ इन श्लोकों में दिखाई देगा। श्लोक हैं लेकिन इन श्लोकों के माध्यम से दुर्योधन की ये सारी स्थितियां उन श्लोकों में दिखाई देंगी। देखो जो अंदर भरा होता है शब्दों में वही निकलता है कहीं ना कहीं, जो अंदर भरा होता है, और शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक भारतीय मनोविज्ञान इंडियन साइकोलॉजी का एक बड़ा विचारणीय भाव है ये, और इसलिए हम कई बार कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट आते हैं साइकोलॉजी के हमारे पास, तो हम कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ी है क्या, और जब वो कहते हैं नहीं, तो हमने कहा भारत के मनोविज्ञान को सही समझना है तो आप भगवद गीता पढ़नी प्रारंभ करो, जहां शुरुआत ही मनोविज्ञान के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है, आप गीता पढ़ो। और बहुतों ने प्रारंभ की, अर्जुन की विकृत मानसिकता के साथ गीता का प्रारंभ हुआ, बिगड़ी हुई मानसिकता, बिगड़ा हुआ मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और उससे पूर्व इस संकेत के साथ कि दुर्योधन की मानसिकता क्या है, और साथ ही यह भी संकेत कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, शब्दों के पीछे कोई ना कोई वृत्ति निकलती है बाहर, कोई ना कोई वृत्ति, किसी का अहंकार शब्द बन के निकल रहा होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ना करता तो देखता, अहंकार, किसी की ईर्ष्या निकल रही होती है शब्दों, किसी का द्वेष, किसी का दंभ, किसी का कपट, किसी का छल, लेकिन शब्द वहां धन्य होते हैं जब शब्दों के रूप में किसी के अंदर का प्रेम शब्द बनकर निकल रहा होता है, जब किसी का अंदर का आनंद शब्दों के रूप में निकल रहा होता है, किसी का तप शब्दों के रूप में निकल रहा होता है, वहां शब्द धन। लेकिन यहां आप दूसरे श्लोक से देखेंगे भाई, झलक देखते हुए आज दुर्योधन का दंभ अहंकार वो सब दिखाई देगा इन श्लोकों के अंदर। युद्ध की तैयारी का वर्णन है इस अध्याय में, कहीं शंखनाद का वर्णन है कि कैसे शंखनाद हुआ, किस किस ने शंखनाद किए, कितना सैन्य बल, मुख्य मुख्य रथी महारथी कौरव सेना में पांडव, कोई नाम गिनाए गए, और उसके बाद प्रारंभ होता है इस अध्याय में, प्रवेश होता है उस रथ का जिस रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं। तथा श्वेतैर हैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतो। वो रथ प्रवेश करता है जिस रथ पर माधव और पांडव अर्थात कृष्ण और अर्जुन स्वार है, उस रथ का प्रवेश होता है भगवद गीता के भाव में, वो रथ युद्ध भूमि में आता है आगे, एक अद्भुत प्रवेश। और
भावुक हृदय वाले ऐसे अनेक रसिक संतों ने जब गीता जी को हाथ में लिया और वो पहुंचे गीता जी के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक पर, जहां रथ प्रवेश होता है और प्रवेश होने के साथ अर्जुन भगवान कृष्ण को निर्देशित करने की मुद्रा में दिखाई दे रहे होते हैं, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कृष्ण। और यहां कुछ अलग अलग स्थिति भी होती है, कहीं ज्ञान प्रधान होता है वेदांतिक साधना संतों की, कहीं प्रेम साधना होती है, भाव साधना होती है कि अंदर का प्रेम भगवान के प्रति स्वाभाविक अपनत्व प्रकट करता दिखाई देता है। और यही तो भारत की दिव्यता है। कहीं कहीं संत देखेंगे बिल्कुल कर्म योग की दिव्यता लिए, कहीं तीनों योगों का समुच्चय दिखाई देगा। और इसीलिए भगवद गीता पर जो व्याख्याएं भी हुई, जो टीकाएं भी लिखी गई, वो टीकाएं भी अलग अलग भाव के साथ लिखी गई। किसी ने गीता जी को ज्ञान प्रधान मान करके, भगवान शंकराचार्य की शंकर भाष्य ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ गीता को ज्ञान योग का प्रधान विषय बताया गया गीता में, कहीं रामानुज जैसे और अनेक संत उन्होंने भक्ति का पर्याय लिया गीता के रूप में, गीता के भाव के साथ। ऐसे भी लंबी सूची है। और किन्हीं किन्हीं ने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और इस ढंग के कई गीता अध्येताओं ने, गीता प्रेमियों ने गीता को कर्म योग के रूप में प्रमुखता देते हुए लेखनी चलाई। ढेरों नाम है ऐसे भी कुछ रसिक संत, जब उन्होंने गीता का ये भाव देखा कि सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, एक संत की तो लेखनी रुक गई वहां, छूट गई है। और वो इस भाव में ही बह गए कि गीता जी का ये मंत्र अर्जुन के मुख से निकला हुआ, और वो अपने उस भाव सागर में ऐसा डूब गए कि क्या दिव्यता है कि भगवान कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपने आप में पूर्ण अवतार, रस में अवतार, भाव में अवतार, नाचता नचाता और गाता अवतार, कहीं सृष्टि को अपने इशारों पर नचाता और कहीं स्वयं गोपियों के इशारों पर नाचता अवतार, कहीं पूरे त्रैलोक्य की लगाम अपने हाथ में लेकर ये कहने वाला कि न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, गीता का श्लोक 3:22, अर्जुन तीनों लोकों में हूं मैं लेकिन कहीं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं पार्थ जो मुझे प्राप्त करनी हो। न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप तम वाप तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कुछ ऐसा है भी तो नहीं पार्थ जो मेरे लिए अप्राप्त हो और मुझे प्राप्त करना हो, लेकिन फिर भी लगा हुआ हो ना कर्मों में, कहीं त्रिलोक्य की लगाम हाथ में और संत का चिंतन यहां युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ की लगाम हाथ में लिए हुए, ये त्रिलोकीनाथ
रथ के घोड़ों को हांकता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूज्य गुरुदेव गीता के भावों में रमे हुए, जहां से गीता की प्रेरणा मिली या जहां से गीता जी हाथ में आ पाई, उनके बहुत से ऐसे भाव हैं। तीन लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ठा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, उस पर गीता सुनाना गजब ठा गया। ऐसे बहुत से भाव हैं उनके, त्रिलोक्य के मालिक। लेकिन अपने आप में एक अद्भुत लीला, अद्भुत भाव। दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं समापन के कुछ सूत्र लेने से पहले। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा का विस्तार जिनका उपकार है, ऐसे पूज्य गुरुदेव को नमन करते। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा खिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे का जब से सहारा मिल गया। कृष्ण तेरी
को जैसे किनारा मिल गया, भूमि डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। शब्द में रमी है श्री कृष्ण कृपा, श्लोक श्लोक में रमी है गीता जी में श्री कृष्ण कृपा। तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, हमें डूबत नौका को जैसे किनारा मिल गया। जब से सहारा मिल गया, के मालिक, और जो बात चल रही थी बस वहीं लाकर निशा, त्रिलोक्य का मालिक और यहां कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पर अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम हाथों में लिए हुए घोड़े हांकता हुआ। आप अनुमान लगाएं या कभी ऐसा एक भाव दृश्य सामने लाएं कि क्या स्थिति रही होगी, त्रिलोकी का मालिक, त्रिलोकी का मालिक रथ के घोड़े लेकर को रथ चला रहा, लेकिन ये सौभाग्य था कुरुक्षेत्र की धरा का। हमें लगता है महाभारत युद्ध की भूमि कहलाई कुरुक्षेत्र, महाभारत युद्ध वहां हुआ वो एक पक्ष था, उसके पीछे भी कई ऐतिहासिक, कई आध्यात्मिक और कई तात्विक कारण भी हैं कि युद्ध हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, उसकी गहराई में हमें नहीं जाना, लेकिन युद्ध हुआ एक पक्ष, लेकिन इस धरा पर स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक 18 दिन तक रथ हांकते रहे, ये कितना दिव्य पक्ष है इस धरा का, कितना सौभाग्य वाला पक्ष है कुरुक्षेत्र की धरा का। और उससे भी बढ़कर के इसी धरा पर विश्व वंदनीय गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, ये कितना अद्भुत पक्ष है। लेकिन
बात आज हम इसी भाव के साथ पूर्णता की ओर चलेंगे कि अर्जुन की क्या मना स्थिति रही होगी कि जिससे भगवान कृष्ण रथ के नीचे के आसन पर बैठे हैं, अर्जुन रथ के ऊपर के आसन पर बैठा है, अर्जुन के निर्देश भगवान मान रहे हैं। सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ले गए रथ पर, हमें उस अंतिम वाक्य तक पहुंचना है। अभी रथ लेकर के गए भगवान कृष्ण, लेकिन एक लीला का भाव वहां जानबूझकर कहीं और ले जाते, दुर्योधन के सामने ले जाते, कहीं दुशासन के सामने ले जाते, कहीं और ले जाते, वो अलग बात, तभी युद्ध प्रारंभ होता। लेकिन भगवान कृष्ण लेकर के गए रथ को कहां? भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के सामने। बस यही एक ऐसी अनूठी स्थिति थी और भगवान की लीला का एक गुप्त सा रहस्यात्मक भाव था कि जिसके कारण से भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशां च महीक्षिताम वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। भीष्म द्रोण के सामने रथ, इशारा भगवान कृष्ण का, सामने देख पार्थ, देखा अर्जुन ने, देखते देखते बस दृष्टि घूम गई, भगवान कृष्ण से दृष्टि हट गई, इधर उधर दृष्टि बट गई और दृष्टि के बटते ही अर्जुन की वृत्तियां बिखर गई, जो अब तक एक निष्ठ समाहित थी केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रेम में, अनन्यता में, कि मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं, आप मेरे साथ हैं और कोई हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की। वह अर्जुन जो केवल एक ही चिंतन में था, अनन्य निष्ठा के भाव से, कि दृष्टि कहीं भी हो दृष्टि कृष्ण पर, व्यवहार कहीं भी, और गीता के अद्भुत चेतावनी भी है, प्रेरणा भी, व्यवहार कहीं भी करो, प्रारब्ध जहां जहां ले जाए, अलग अलग क्षेत्र हैं व्यवहार के, करने ही होंगे, करने भी चाहिए, अपने अपने कार्य में निपुणता, कुशलता, निष्ठा, समर्पण अपने अपने कर्तव्य में, ऑनेस्टी सिंसियरिटी ईमानदारी अपने कर्तव्य में, समर्पण अपने कर्तव्य में, ये गीता का मूल मंत्र है, वो होना चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन जीवन गौरवान्वित हो जाएगा, ऊर्जावान बन जाएगा यदि वो सब व्यवहार करते हुए दृष्टि एक पर रहे, दृष्टि एक पर रहे। बस अर्जुन की चूक, दृष्टि विचलित हो गई, दृष्टि के विचलित होते ही वृत्तियां बिखर गई अर्जुन की, मोह के साथ साथ, आसक्ति के साथ साथ, और उसका परिणाम ये हुआ कि हर समय प्रसन्न चित्त अर्जुन प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम चरण जो है उसमें संजय उवाच का है, वो श्लोक भी संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन असंख्य रथोपस्थोपाविशत विसृज्य सैशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। हे राजन, अर्जुन शोक में पूरी तरह डूब गया, अर्थात विषाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति में आ गया, और उसमें उसने रथ के उस आसन को छोड़कर जहां भगवान से भी ऊंचा आसन था, रथोपस्थ अर्जुन पीछे बैठ गया। गांडीव का हर समय सम्मान करने वाला अर्जुन गांडीव को छोड़ दिया, विसृज्य से शरम चापम गांडीव को फेंक दिया और शोक संविघ्न मानसा। ये गीता जी के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, अंतिम शब्द, अर्जुन दुख में डूब गया। और भगवद गीता जिस यात्रा में हम कल आगे चलेंगे, शोक संविघ्न मानसा प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, और वहां तक
हम बीच बीच में से कोई सूत्र ढूंढते हुए, या यूं कहो जैसा प्रारंभ लोकमान्य तिलक के शब्दों में किया गया, ज्ञान का अथाह सागर, उसमें से कुछ प्रेरणाओं के मोती ढूंढते हुए बीच बीच में हम इस यात्रा को वहां ले जाएंगे जहां विषाद प्रसाद बन जाता है, और वही अर्जुन शोक संविघ्न मानसः जहां ये पुकारता दिखाई देगा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। हे अच्युत, वहां भी अच्युत शब्द है, सैन्योरुभ्योर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत, और यहां गीता के समापन पर भी अर्जुन ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया, तत्प्रसादान में अच्युत, आपकी कृपा से अब चित फिर प्रसन्न है। तो गीता विषाद से प्रसाद की एक अद्भुत अनुपम अलौकिक अनूठी यात्रा है, उस यात्रा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगले 3-4 दिन जो हमारे पास हैं उसमें प्रेरणात्मक रूप में आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य एक बार उस पर विचार करें, चिंतन करें और प्रयास करें कि आज जो कहा गया उसे आज ही अपने अंतस में ले जाने का, और कल समय पर मानसिकता अपनी निश्चित करते हुए उसी मानसिकता के साथ फिर यहाँ पहुँचने का। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज प्रथम दिवस के सत्संग सत्र विश्राम पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इस क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया जी और अलग अलग संस्थाओं के शुभेच्छुजन पृष्ठजन सबके प्रति हृदय से शुभकामना। आरती सब करके ही जाएंगे, आरती का एक अलग सा आनंद जहां भी है अपने स्थान पर खड़े होकर। एक 2 मिनट के पश्चात जब आरती बोलिए, सद्गुरुदेव महाराज की जय। 2 मिनट की बात है, तालाब में कांकर एक स्थान पर फेंकते हैं, लहरें पूरे तालाब में फैल जाती हैं। आज प्रभुवर ने एक कांकर प्रथम अध्याय गीता के बृहद स्वरूप के अनन्य बिंदुओं को, अनेकों बिंदुओं को आने वाले 5 दिनों में जिस तरीके से संक्षिप्तता के साथ खोला जाएगा, व्यक्त किया जाएगा, हम समय पर आकर 4 बजे का समय बिल्कुल निश्चित है, 3:30 पर आप संकल्प लें कि अपने बंधु बांधवों के साथ आसपास के सब लोगों को लेकर के आए, तभी भगवान कृष्ण आप पर कृपा करेंगे। संभवामी युगे युगे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ ततो युद्धाय युज्यत्वम नैवम पाप मवाप्स्यसि। हम आनंद लेंगे और आरती का समय मैं निवेदन करता हूं। अभी मेरे मन में भाव आ रहा था कि गीता के संजय की बात हो रही है, हमारे पानीपत के संजय रूप
सांसद वरमेको गुणी पुत्र न च मूर्ख शतरपि एकश्चंद्र तमोहंती न च तारा गणेरपि माननीय श्री संजय भाटिया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें चरण वंदना करते हुए, और आरती के लिए भी आप उपस्थित रहें। इसके साथ साथ हमारे यजमान, मुख्य यजमान, जिनका विशेष आहुति सार्थकता को प्राप्त हुई, श्री विजय जैन, श्री चंद्रशेखर शर्मा, बख्शी सिंह पूर्व विधायक कसंद से आए हैं, विपिन चुग, लोकेश नागरू, रविंद्र भाटिया, कृष्ण छोकर, के शर्मा, मालती अरोड़ा, विभू पालीवाल, राधे श्याम धन्नई और रविंद्र सैनी, सूरज भान राठी, आपसे निवेदन आरती के लिए। और कल से हम निर्धारित समय पर पहुंचकर इस 5 दिवसीय यात्रा को सार्थकता प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। आरती का समय थोड़ा जा ध्यान साढ़े वाल दे लिया कर। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, होवे मन का कलमश सारा, होवे मन का कलमश सारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, आओ करे इस नान पर कृपा सुखदाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, राग द्वेष भव भय नाश दुख शोक तराता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, वात्सल्यमयी गीता प्यारी, वात्सल्यमयी गीता प्यारी, प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, करुणा महिमा करुणा कर दो, करुणा महिमा करुणा कर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी लीला विधाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, 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 भोली गीता माता की जय। इस 5 दिवसीय गीता सत्संग का सीधा प्रसारण हम सभी
श्रद्धा चैनल के माध्यम से भी साई 4 बजे श्री राधे श्री राधे 4 बजे से 6 बजे तक ले रहे हैं। 3:30 बजे से मंच पर भजन प्रारंभ हो जाते हैं और 4 बजे से हम पूज्य महाराज जी द्वारा गीता सत्संग का लाभ प्रतिदिन ले सकते हैं। और 31 दिसंबर को भी रात को भी संकीर्तन रहेगा वर्ष 2023 में प्रवेश। और पूज्य श्री द्वारा रचित अनेक सदग्रंथ भी बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। गीता प्रेरणा 700 श्लोकों की बहुत ही सुंदर पूज्य श्री द्वारा व्याख्या की गई और भी अनेकानेक सदग्रंथ पूज्य श्री द्वारा रचित बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। आप भी पढ़ें औरों को भी प्रेरित करें। हमारे बच्चे श्लोकोच्चारण के लिए उत्साहित हैं। श्लोकोच्चारण का प्रारंभ करने का उपक्रम करें। मैं पार्थ वाजपेयी स्टार पब्लिक स्कूल पानीपत 6 कक्षा से मैं आपके सामने गीता के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दुष्टकेतुश्चेकितान् काचिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः जिदामन्यश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य सौन्यार्थं तां ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु कल प्रातः भी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में गीता पाठ रहेगा कृष्णपुरा में सुबह 8 से 9 बजे तक। ये स्थान रहेगा राधा कृष्ण खन्ना सर्व जाति धर्मशाला वार्ड 15 कृष्णपुरा कल प्रातः 8 बजे। और इस प्रकार 5 दिनों के पहले दिन की यह यात्रा विराम की ओर अग्रसर होती हुई पूज्य गुरुवर यद्यपि हिसार से सीधे यहाँ पहुँचे, गुरुवर आपकी साधना को नमन, आपके समर्पण को नमन, आपके जीवन को नमन। निश्चित रूप से हम आपके मधुर वचनों से, अमृतमय वचनों से गदगद हो उठे और ये परंपरा 5 दिनों तक हम इसी प्रकार से इस परंपरा का आनंद लेते रहेंगे। इन संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और श्री कृष्ण कृपा परिवार और महिला मंडल की सभी बहनों से भी निवेदन है, 3:30 बजे सुरेश अरोड़ा जी के निवास पर जहां पूज्य श्री आज 5 दिनों के लिए निवास करेंगे वहां पर रात्रि में बैठक रहेगी 8:30 बजे, आप सभी वहां जरूर पहुंचे। सभी से निवेदन प्रसाद अवश्य लेकर जाएं, प्रसाद भी भगवान की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। मैं इमराना, मैं एक मुस्लिम कास्ट की लड़की हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ गीता के श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय दृष्ट्वा तु पांडवानिकं वियूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीत् पश्यता पांडुपुत्राणां आचार्य महती च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्रशूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपस्य महारथा दिष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजस्य शेभ्यस्य नरपुंगव युधामन्युष्य विक्रांत उत्मोजास्य वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यसं संज्ञार्थं तान ब्रीमिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य समीति अश्वथामा विकर्णस्य सोमदतिसेव च अन्यचे बहव शूरा मतेर तयक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वयुद्ध विशारदा अपर्यापतं तत्समाकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्यापतं तविदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिष्ठता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि तस्य संजय हर्षं कुरु विद्या पितामह सिंहनादं विन्दयोच्य शंखं दद्मो प्रतापवान् धन्यवाद।